जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बेस्ट जॉब प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जिसमें आप बिना कंसल्टेंसी फीस का आप बेहतर कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर अपना भी एक अच्छा विज्ञापन निकालती है जिससे गवर्नमेंट सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज होता है या रोजगार समाचार होता है। तो वो है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो एक रोजगार एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है टाइम्स एडसेंस। आप टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो वेनिसडे का आता है, सिर्फ वेनिसडे का और संडे का दोनों को लेंगे तो उसमें आपको रोजगार समाचार दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर कंपनी का। ओके, इससे प्राइवेट कंपनी अपना अच्छा अच्छा विज्ञापन निकालती है, जो अच्छे लेवल की कंपनी होती है, जो अच्छी सैलरी देती है और टाइम टू टाइम देती है, उन सब चीज़ों को काफ़ी रूल को फॉलो करती हैं। क्योंकि ये नियम है कि कोई भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबको वैकेंसी भरने से पहले उसका प्रॉपर पब्लिसिटी करनी चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ होती है, जब उनकी वैकेंसीज होती हैं तो टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया में या लीडिंग न्यूज़पेपर किसी भी न्यूज़पेपर में देती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम एसेंट में देती हैं। आप हिंदुस्तान टाइम्स में आप मंगलवार को प्राप्त कर सकते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया में बुधवार को। तो उन सबका जो पोर्टल है, आप पोर्टल पे भी वेबसाइट पे जाके आप अच्छी अच्छी नौकरी खोज सकते हैं, जिससे आपको ये वेबसाइट की डिटेल हम बता रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप जाने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है टाइम एसेंट्स। ओके, मोबाइल में भी कर सकते हैं, आपको लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है। जब लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा सा इंटरफेस दूसरा आएगा जिसमें लेटेस्ट जॉब को एक आता है। उसमें आप जा करके क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे आप लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको आएगा इमेज, इसकी पूरी टाइम टाइम लोकेशन वाइज देख सकते हैं, पोस्ट वाइज देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे पोस्ट वाइज भी देख सकते हैं, और किस सेक्टर में आप जॉब चाहते हैं उस सेक्टर वाइज आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप फर्स्ट पेज से देखते जाइए सीक्वेंस वाइज, इसमें अच्छी जॉब आपको कैसे आपकी एलिजिबिलिटी जॉब है। इसमें आप 10वीं क्लास से लेकर के किसी भी आप जो कि 10th ITI डिप्लोमा या फिर आपका इंजीनियरिंग या फिर आप मेडिकल फील्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर फील्ड की अच्छी अच्छी जॉब आती है। टीचिंग हो गई तो हर फील्ड की इसमें विज्ञापन दिखता है। महीने में आपको सिर्फ 4 बार इस वेबसाइट को ओपन करनी है, हर बुधवार को ओपन करनी है। इस तरह महीने में 4 बार करेंगे तो आपके एलिजिबिलिटी की जरूर जॉब इसमें जरूर दिख जाएगी। ओके, अब ये जो है आपका फीस नहीं होता है, सिर्फ आपको मेल करना होता है या जो चीज़ जैसा दिया होता है। जैसे हम आपको एक विज्ञापन दिखाते हैं, इसमें एग्जाम्पल तो आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं इसका, आप इसमें लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं, एजुकेशन वाइज देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी फैसिलिटी दी होती है। ओके, जैसे ये आपका हायरिंग है एक, ओके, ये नीचे आपका प्लेस दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर विज्ञापन देते हैं। आप दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो कंपनी का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, प्लेस, सारी चीज़ें थर्ड टिकट होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। जिस चीज़ में आपको सस्पेक्ट लगेगा उस आपको बिल्कुल मत भरिए। जिस चीज़ में कंपनी का नाम, जैसे कंपनी का नाम दिया, एड्रेस दिया, HR डिपार्टमेंट नंबर दिया, कितने पोस्ट जानी वो सब दिया, तो उन सब चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से भरिए। इसमें अथेंटिकेटेड मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, कंसल्टेंसी फीस में कोई झंझट नहीं होता है। तो उम्मीद है पूरी चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। ये जॉब से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पिछले 6-7 साल से हम जॉब कर रहे हैं। जो सबसे बिलीवेबल इन्फॉर्मेशन होती है प्राइवेट जॉब की, वो इसी में होती है। और साइट हैं जो बड़ी हुई, आपको गूगल पता होगा, उस साइट जो प्राइवेट सेक्टर होती हैं पैसे लेती हैं, सिलेक्शन कराने से पहले आपको पैसे लेती है। इसमें आपको कुछ नहीं, आप जो काम कर रहे होंगे उस फील्ड की बेहतर जॉब के लिए आप यहाँ फॉर्म भरेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। इसमें एक नेक्स्ट है तो इसमें क्लिक करते हैं तो ये आपका करके EHSL है, तो इसमें अलग अलग पोस्ट दिया है, एक्सपीरियंस दिया है। उसके बाद आपका डिटेल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप पूरी डिटेल फॉर्म भर के आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, ये टाइम्स ऑफ एसेंट हो या फिर आपका हिंदुस्तान टाइम्स का हो, दोनों आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया होता है। आप अपने जहाँ आप नौकरी चाहते हैं या जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ का इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए।